न्यूज में आज देखिए, हरियाणा के सिरसा में नवनिर्मित भवन आनंद सरोवर में विशाल आनंद उत्सव में झूमे लोग। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने की शिरकत। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में, आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। नवनिर्मित भवन आनंद सरोवर में भव्य आनंद उत्सव की खबर के अलावा बुलेटिन में आज भुवनेश्वर में सूबे के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र जहीरी ने योगाभ्यासी बीके स्वागतिका को दिया गोल्ड मेडल। गुरुग्राम के सेक्टर 54 में इनहेंसिंग इमोशनल स्टेबिलिटी विषय पर आयोजन, तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में कवि सम्मेलन में कवियों ने दी मनोरम प्रस्तुतियां। और आखिर में टेनेसी के नैशविले में गांधी जी की महानता को याद करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन, बीके जैना ने हेड एंड हार्ट विषय पर डाला प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत आज हरियाणा की खबर से है, जहां सिरसा स्थित शांति सरोवर सेवा केंद्र के द्वारा नवनिर्मित भवन आनंद सरोवर में भव्य आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। यह विशाल आयोजन नवरात्रि, शिव ध्वजारोहण और योग तपस्या का सम्मिलित आयोजन था, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने शिरकत की। इस उत्सव का शुभारंभ बठिंडा सेवा केंद्र के प्रभारी बीके कैलाश, मानसा सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सुदेश, शांति सरोवर के प्रभारी बीके बिंदु समेत अनेक वरिष्ठ बहनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सिर्फ देवियां क्या देती हैं? दृष्टि देती हैं। आप देखेंगे एक देवी की कितनी भुजाएं होती हैं? 8 भुजाएं होती हैं। और वो देवियां दिखाई नहीं देती, सिर्फ क्या दिखाते हैं? उनकी क्या दिखाते हैं? भुजाएं दिखाते हैं। और आप इन देवियों को क्या देख रहे हो? भुजाएं देख रहे हो? नहीं, पूरी देवी के रूप में देख रहे हो। ध्यान को अपनी मस्ती के बीचों बीच ले जाएं। देखिए एक बहुत सुंदर दिव्य शक्तिशाली सितारा मुझे भ्रकुटी के भव्य भाल पर चमक रहा है। पहले तो बाबा के थोड़े गरीब बच्चे होते थे, अभी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा गरीबों को भी कहता है कर लो सफल, शाहूकारों को भी कहता है बना लो अपना भाग्य। सफल करो या भाग्य बनाओ, ये हमारे खुद के ही हाथ में है। शिव ध्वजारोहण के बाद बीके बिंदु ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में योगी तपस्वी लोगों की मौजूदगी से यह स्थान का वातावरण परिवर्तित हो गया है। देवियों के सामने खड़े हैं और भगवान ने जिनको निमित्त बनाया है उनके आगे सदा ही नतमस्तक रहता है। नतमस्तक हम किसको करते हैं? भगवान को करते हैं। किनके द्वारा? जो सामने निमित्त हमारी बहनें, हम जीवन, हमारे आने वाले भाई बहनों के जीवन को एक रास्ता दिखाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी व राजयोग अभ्यासी बीके स्वागतिका को साइकोलॉजी में श्रेष्ठ अंकों से पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए भुवनेश्वर में सूबे के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र जहेरी ने गोल्ड मेडल प्रदान किया। बीके स्वागतिका इस उपलब्धि का श्रेय राजयोग मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारी संस्थान और वहां के सकारात्मक वातावरण को देती हैं। वे इंदिरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से जुड़ी हुई हैं और पूरा परिवार उनका सहयोगी है।
गुरुग्राम के सेक्टर 54 में ब्रह्म कुमारी के सन सिटी मेडिटेशन सेंटर के द्वारा इनहेंसिंग इमोशनल स्टेबिलिटी विषय के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य वक्ता दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डीके डॉक्टर मोहित गुप्ता, क्षेत्र के विधायक महेश दायमा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना द्वारा दीप जलाकर हुआ। इस कार्यक्रम में सभा का नृत्य से तो अतिथियों का गुलदस्तों से स्वागत हुआ, तो वहीं आगे बीके मोहित गुप्ता ने संकल्पों की शक्ति के बारे में अवगत कराते हुए निगेटिव संकल्पों को सबसे बड़ी मानसिक बीमारी बताया। इसके साथ ही उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से साइंस और स्पिरिचुअलिटी के मेल को दर्शाते हुए लव और ला का बैलेंस रखने पर ध्यान खिंचवाया। मनोरंजन और लोक शिक्षण के समन्वय की विद्या यानी कवि सम्मेलन वास्तव में साहित्य, संस्कृति और भाषा का संगम है, और अगर इस संगम में आध्यात्मिकता का समावेश हो तो फिर कहना ही क्या। छत्तीसगढ़ में कोरबा के तुलसी नगर स्थित विश्व आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में विशेष आध्यात्मिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय एवं विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित हुए कवियों ने अपनी मनोरम प्रस्तुति दी। आओ हम सब मिलकर एक अंजुमन सजाएं, एक दीप जलाओ, एक दीप हम जलाएं। मैं मातृकरी पार्वती अपने कोमल मन में, अपने कोमल मन में बाबा तुम मुझे बसा लो, अपने कोमल मन में बाबा तुम मुझे बसा लो, जीवन धन्य हो मेरा सांसों में, अपनी मुझे संभालो, अपनी मुझे संभालो। अब सपने सजो कर एक मंदिर बनाकर, सपने सजो कर एक मंदिर बनाकर बाबा उसमें तुम्हें बिठाकर, पुजारिन मुझे बना लो, पुजारिन मुझे बना लो। नवरात्रि तो हमारी रोज ही है, क्योंकि अगर हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो रोज हमें स्मृति रहे कि हम ही वो देवियां हैं। वो देवियां किसकी रचना है? उस शिव परमात्मा की रचना है। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना ने सभी कवि अतिथियों का स्वागत सत्कार किया, इसके साथ ही ईश्वरी सौगात भेंट की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। हाल ही में भोपाल के नीलबड़ स्थित नवनिर्मित आध्यात्मिक सुख शांति भवन में सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के छात्रों एवं प्राध्यापकों के लिए योग एवं संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथियों में डॉक्टर उपेंद्र खत्री और डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, तो बीके सदस्यों में राजयोग शिक्षिका बीके हेमा, बीके आराधना समेत कई बीके बहनें मुख्य रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान राजयोग कैसे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाता है, इसे विस्तार से समझाया गया। 2 प्राध्यापकों सहित कुल 25 लोगों ने इस शिविर में लाभ लिया। अंत में सभी को श्री सौगात भेंट की गई। वहीं पंजाब के बरनाला में ब्रह्म कुमारी के गीता पाठशाला में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीके सदस्यों के अलावा स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर बीके सुदर्शन ने ओम शांति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि ओम शांति माना मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और आत्मा का धर्म स्वयं शांत रहकर दूसरों को भी शांति का अनुभव कराना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गीता पाठशाला के इंचार्ज बीके सुभाष ने सभी उपस्थित लोगों से कहा कि हमें अपने संकल्पों में दृढ़ता लानी चाहिए, जिससे एक मजबूत समाज की स्थापना हो सके। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। इसके अलावा बरनाला में रामबाग के शिव मंदिर के नजदीक भव्य ज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका हजारों लोगों ने अवलोकन कर ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। बरनाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके ब्रिज ने प्रदर्शनी के चित्रों को समझाते हुए लोगों को बताया कि परमात्मा शिव के सच्चे ज्ञान को दर्शाने वाली यह प्रदर्शनी है, जिसमें आत्मा और उसके गुणों को शक्तिशाली बनाने की विधि को बड़े ही सहज विधि से बताया गया है। वहीं बीके सुदर्शन समेत अन्य बीके सदस्यों ने लोगों से तनाव मुक्त बनने के लिए राज्यों को जीवन में शामिल करने की अपील की।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 9 देवियों की सुंदर व अद्भुत झांकी सजाई गई। कई दिनों तक लगी इस झांकी का उद्घाटन एडीजे साक्षी गुप्ता, एसआर के डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रभास्कर राय, मेला सचिव आरपी सिंह यादव, मेयर नूतन राठौर, हिंदू मोर्चा के युवा नेता मोहित भारद्वाज समेत कई विशिष्ट लोगों के द्वारा संपन्न हुआ। इन 9 देवियों का दर्शन कर सभी अतिथियों ने राजयोग का महत्व जाना कि किस प्रकार से राजयोग के नियमित अभ्यास के द्वारा अपने तन और मन को संतुलित कर नियंत्रण में रखा जा सकता है। वहीं बीके बहनों ने सभी विशिष्ट लोगों को संस्थान की अन्य गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। पंजाब के पातड़ा सेवा केंद्र पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजन हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा ने देवियों के आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए निराकार परमात्मा शिव से शक्तियां लेकर अपने जीवन से नकारात्मकता को समाप्त करने का आह्वान किया। छोटे बच्चों ने गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इस दौरान बीके ममता, बीके रेखा, बीके मनीषा और बीके सपना भी मौजूद थी। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। सत्य और अहिंसा का दूसरा नाम महात्मा गांधी, जिन्हें करोड़ों देशवासियों के साथ पूरा विश्व नमन तो करता ही है, इसके साथ ही उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए भी प्रयत्नशील है। ऐसे गांधी जी की महानता को याद करने के लिए टेनेसी के नैशविले में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे संबोधित करने के लिए नैशविले के वरिष्ठ मंत्री जॉन एम लीन द्वारा वॉशिंगटन डीसी से ध्यान संग्रहालय के निदेशिका बीके सिस्टर जेना को विशेष आमंत्रित किया गया। इस मौके पर बीके जेना ने हेड एंड हार्ट विषय पर अपना उद्बोधन देते हुए नफरत पर विजय पाने के लिए सार्वभौमिक प्रेम का अभ्यास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही राजयोग से होने वाले लाभों की भी जानकारी दी। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज के द लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर पर मॉस्को के सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक एनवर खुसेनोव और पीपल्स आर्टिस्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ तारतास्तान के प्रोफेसर भिंगोल वागीजेविच गालियेव ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस मौके पर मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज के निदेशक बीके सुधा ने उन्हें संस्थान द्वारा विश्व भर में की जा रही सेवाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही ऑन द वेव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नामक स्पिरिचुअल बुक भी भेंट की। इसके पश्चात ततार कल्चरल सेंटर पर ततार फिलहार्मनी के 80वें वार्षिकोत्सव पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें लारिसा ग्रिदिना द्वारा सदा खुश रहो और एलेना तीतोवा द्वारा पवित्र मन रखो जैसे गीतों की प्रस्तुति दी गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।